हे गाइस, तो आज होने वाला अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज। ये चैलेंज अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं किया। तो आज मुझे कमाने होंगे $0 से लेके $1,000,000 तक। बिल्कुल से मेरे पास में होंगे $0 और मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे $1,000,000 में। तो गाइस, अभी तो मेरे पास में कुछ डॉलर पड़े, तो ये जितने भी मेरे पास में डॉलर है ना, अभी वो पहले मैं सारे खर्चा कर देता हूँ, अपना पूरा बैंक बैलेंस ना जीरो कर देता हूँ, उसके बाद में उससे कमाएंगे अपन पूरे $1,000,000। ठीक है, बहुत दिनों बाद, मतलब लाइफ में पहली बार ना मैं अपना कंटेनर डेकोर कर रहा हूँ, वरना अभी तक मैंने ना पूरे लाइफ में अपना कंटेनर कभी भी डेकोर नहीं किया। ठीक है, थोड़ा शोरूम में डेकोर कर लेते, वैसे करने की कोई जरूरत तो थी नहीं, बट डॉलर खर्चा का करूँ वही समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ना थोड़ा शोरूम में डेकोर कर लेते और बाकी जो चीज़ें कर सकते हैं वो सारी चीज़ें डेकोर कर लेते। ओके, तो जो जो चीज़ें मैं डेकोर कर सकता था वो चीज़ें मैंने डेकोर कर ली, बट फिर भी कुछ डॉलर बच गया और ये डॉलर मैं कहाँ पे खर्चा करूंगा वो मुझे समझ में आ रहा। ओके, एक आइडिया आ चुकी, एक जगह पर ये मैं सारे डॉलर ना जीरो कर सकता हूँ और वो है अपना जुआ खाना, बिल्कुल से अपना रेड बार, वहाँ पे जाके मैं अपने सारे डॉलर जीरो कर दूंगा। ओके, तो अभी मैं रेड बार पे आ गया और रेड बार पे आके मेरे को क्या करना है, मुझे अपनी सारी बीट हार जानी है। ठीक है, मैं हार जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे मैं हैमर मैंने बाय नहीं किया था, ठीक है हैमर बाय कर लूँ क्या? ओके ठीक है, हैमर बाय कर ले, तो वैसे तो इसको मैंने पहले ही बाय करके रखा था, नहीं यार ठीक है हैमर को ऑलरेडी बाय करके रखा था। अभी गाइस मैं यहाँ पे देखो अपने सारे डॉलर है ना यहाँ पे लगा देता हूँ, उसके बाद में सीधा राउंड हार जाएगी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है 10, अभी देखो इसको मैं आराम से आ जाऊँगा 20, ये राउंड मैं जीत सकता हूँ, बट मुझे जीतना नहीं है, मैं स्टैंड कर दूंगा और अभी आराम से हार जाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये राउंड हार चुका और मेरे डॉलर अभी हो चुके जीरो, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे स्क्रीन पे, मेरे टोटल डॉलर अभी हो चुके जीरो। तो चलो गाइस, अभी मैं जल्दी से शोरूम पे चले जाता हूँ, उसके बाद में प्लान बनाते हैं। ठीक है, ओके एक मिनट, मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा। ओके, अभी याद है ट्रैवल के लिए अपने को $10 लगते और मेरे पास में $0 है। ठीक है, चल के जाना पड़ेगा भैया, बहुत गरीब हो चुके, अभी चल के जाना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं पहुंच चुका अपने शोरूम पे और अभी मेरे पास में टोटल डॉलर है जीरो, अभी डॉलर आएगी कहां से? ठीक है, एक आइडिया मेरे पास में, जिससे मेरे पास में ज्यादा डॉलर तो नहीं बट $200-$300 आ सकते हैं। ठीक है, वो है अपना जंक यार्ड। ठीक है, यहाँ से ना मैं थोड़ा ना मेटल वेटल जमा कर लूंगा, उससे मेरे को $200-$300 तो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मेटल ट्रैश पड़ा, यहाँ से उठा लेते, उसके बाद में यहाँ पे भी बहुत सारा पड़ा, जितना है ना सारा उठाना पड़ेगा, आज तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, वैसे मैं आता नहीं था कभी बट अभी आना पड़ेगा। ठीक है, पूरा जमा कर लेते हैं, उसके बाद में इसको बेच देंगे और उसमें अपने को थोड़े डॉलर तो मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ना पुरानी सी कार भी पड़ी बंगाल से, उसको भी तोड़ देंगे। ठीक है भाई, थोड़े डॉलर दे दे, $100 तो हो गए। ठीक है, $100 कमा लिए, अभी अपने बाद में एक हैमर भी उससे ना तोड़ देंगे इस कार को और थोड़े डॉलर और ज़्यादा एक्स्ट्रा कमा लेंगे अपन। ठीक है, तो अभी ना मैं अपनी इस कार को ना तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि किसी की भी नहीं है, बहुत दिनों से यहाँ पे पड़ी, इसको पूरा तोड़ देते और इसको ना पूरा मेटल जमा करके बेच देंगे। ठीक है, फटाफट से इसको तोड़ देते। और गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट कर देना अपन नेक्स्ट चैलेंज कौन सा करें। ठीक है, पूरा मेटल देखो यहाँ पे जमा हो गया, पूरा जमा कर लेते हैं, पूरा मेटल टूट गया, पूरी कार ही अपन ने तोड़ दी, पूरा मेटल जमा कर लेता और उसको सेल कर देता, थोड़े अच्छे खासे डॉलर मिल जाएंगे, $1,000 तो हो जाने चाहिए। ठीक है, नहीं हुआ यार, $540 हुए, बट अभी ना थोड़े यहाँ पे मेटल पड़े थे, इसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, एक भी मेटल इधर छोड़ने नहीं वाला, टोटल जितने मेटल है ना पूरे जमा करूंगा और फिर यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। ठीक है, अभी हो क्या, नहीं अरे तो पत्थर है। ठीक है, हो गए लगता खत्म, नहीं नहीं अभी उस कार के पास में भी एक पड़ा है। ठीक है, ये रह गई, इसको भी उठा लेते हैं और देखो अभी खत्म हो गया शायद तो। ठीक है, यहाँ पे टायर वायर पड़े, ये ऊपर की कार ना ये नहीं अपन तोड़ सकते, शायद ये किसी बंदे की होंगी इसलिए उसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है भाई, थोड़े डॉलर दे दे। ओके, तो $620, इतने डॉलर मेरे पास में, इससे मैं कोई भी कार बाय तो नहीं कर सकता, बट गए अभी एक और आइडिया मेरे पास में डॉलर कमाने की, अपनी ट्रिक भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और कहते अगर मैं कोई कार बाय कर लेता उसके बाद में अपने चैलेंज को और ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए ना मैंने एक और ट्रिक सोच ली, मतलब और अपने चैलेंज को हार्ड बनाऊंगा, मतलब मैं कोई ड्रैग रेस नहीं करूंगा, क्योंकि ड्रैग रेस में अगर मैं बीटीज कार करता हूं तो सामने वाली कार तो मैं आराम से जीत ही जाऊंगा, उससे मैं बहुत इजीली डॉलर कमा पाऊंगा, इसलिए मैं ड्रैग रेस में तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे ये चैलेंज बहुत ज़्यादा हार्ड करना है। ठीक है, देखते कंप्लीट होगा या नहीं, बट ठीक है देखेंगे अभी। अभी मैं आ चुका हूं रेड बार में जुआ खेलने और यहाँ पे जुआ खेल के तो मैं कमा सकता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी ट्रिक यूज़ कर लूँ यार अपनी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, अभी देखो मैं तो जीत ही जाऊँगा। ठीक है, जीतूँगा नहीं जीतूँगा पता नहीं है। ठीक है, मेरे पास 20 जीत जाऊंगा। ओके, फर्स्ट राउंड तो मैं जीत गया, थोड़े डॉलर अपन ने कमा लिए, ये बहुत अच्छी जगह है अपने को डॉलर कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना मैं बहुत सारे डॉलर कमा सकता हूँ, बट यहाँ पे भी मैं ज़्यादा डॉलर नहीं कमाने वाला, थोड़े डॉलर कमाऊंगा उसके बाद में यहाँ से भी चला जाऊंगा, मतलब 3,000 तक कमा लेंगे। ठीक है, 3,000-4,000 तक कमाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कमाएंगे, उतने में ना अपनी एक कार आ जाएगी, एक नॉर्मल सी सबसे सस्ती कार होती है वो अपने को 3,500 में मिलती, कभी कभी लकीली ना
3000 में मिल जाती, ठीक है। अभी ना मेरे पास में डॉलर, ठीक है, मैंने जितने डॉलर ना पूरी बीट लगा दी। ओके गाइस, 3660 डॉलर मेरे पास में हो गए। अभी मैं कोई राउंड खेलने वाला मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। तू मेरे को एक बियर दे दे, ठीक है यार, इतने कम डॉलर है फिर भी मैं फालतू के खर्चे कर रहा हूँ, इससे एक बियर बाय कर ली मैंने अभी। क्योंकि गाइस बाद में चैलेंज तो पूरा होता रहेगा, बट ये चीज जरूरी है पहले बियर बाय कर लो, और वो उधर ये थोड़ा पी लेते भी, ठीक है। बियर बाय की तो उसको वेस्ट क्यों करना, थोड़ी मार लेते, उसके बाद में ना अभी रात भी होगी ना, अभी तो जाके सोना पड़ेगा। बट गाइस कल अपने को ना बहुत ही सस्ती कार बाय करनी पड़ेगी, और मुझे पता भी नहीं है जितने डॉलर मेरे पास में ना, इतने डॉलर में कोई कार मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ठीक है। थोड़ी चक्कर तो आ रही, बट सो जाता रहा, ठीक है। अभी कंटेनर में पहुंच गया, मैं कंटेनर के अंदर पहुंच जाओ ना, बस उतना ही काफ़ी, ठीक है। पहुंच गया फाइनली और सो गया, और देखो रिजल्ट तो सब 0-0 है, कुछ भी रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अभी गज अपना असली काम शुरू होने वाला है, ठीक है। अभी मैं आ चुका हूँ विलेज के अंदर, और मेरे को चाहिए गज 3000 की कोई कार, ठीक है, बस नहीं मिलेगी, ठीक है। देखते कितने की भाई तेरी ये बस, तो ये बस की प्राइस है 4941 डॉलर। मेरे को मिल पाएगी क्या, मेरे पास में जितने उतने में तो मेरे को नहीं मिल पाएगी, इसीलिए आगे ना कोई छोटी कार मिल जाना तो वही बाय कर लेंगे। बट एक और बस आगे खड़ी ना, उसको बाय करने की कोशिश करते, अगर अपने बजट में आ जाती तो बाय कर लेंगे, ठीक है भाई। तू तो दे यार, थोड़ा बजट कम है मेरा आज के दिन, दे दो मेरे को, ये डैमेज भी बहुत ज़्यादा यार, ठीक है। ये कार मेरे को मिल जाएगी, ठीक है, इसके बाद में अपन थोड़ी बार्गिंग कर लेते हैं। इसको मैं ऑफर करता हूँ 3600, इतने मेरे पास में, इससे ज़्यादा मेरे पास में डॉलर है भी नहीं भाई। अबे ले लेने यार, अबे क्या नखरे लगा के रखे इस बंदे ने, ठीक है, नहीं ले रहा यार बंदा, ठीक है। इतने में तो मेरे को कोई भी बस या कार नहीं मिलने वाली, इसलिए अभी मेरे को फिर से जंकयार्ड आना पड़ेगा। गाइस मैंने सोचा था ये चैलेंज मुश्किल होगा, बट मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग से इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। एक कार भी मैं अभी बाय नहीं कर पा रहा, एक नॉर्मल सी कार बाय नहीं कर पा रहा, और 1 मिलियन कब हो गए पता नहीं, अभी तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, और ये कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा पता नहीं है। चलो ठीक है, अभी ना यहाँ से मेटल जमा करते और जल्दी से कार बाय करने जाते, ठीक है। इसको मैंने दे दिए 4227 डॉलर मेरे पास में हो गए, इतने में तो अभी बस मिल जाएगी, ठीक है, एक बस मिल जाएगी ना अपनी। अगर बिजनेस थोड़ा स्टार्ट हो जाता है एक बार, फिर अपना बिजनेस चलता रहेगा, फिर नहीं रुकेगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में ना आगे बढ़ते जाएंगे अपन। ओके, तो अभी जल्दी से ना नेबरहुड वापस जाते हैं, और वो बस ना जल्दी से बाय करके लेके आते, ठीक है। वो बस कहाँ पर है, अबे वो बस बिक तो नहीं है ना, नहीं बिकी, ठीक है। ये गाइस एक बस है और सामने एक बस है, ठीक है। ये कम डैमेज थी, वो ज़्यादा डैमेज थी, इसको मैं बाय नहीं कर पाऊंगा मेरे को लगता, क्योंकि इसकी प्राइस ना थोड़ी ज़्यादा थी, फिर भी बार्गिंग करके देख लूँगा, ठीक है भाई। मेरे पास में जितने डॉलर है ना, पूरे डॉलर में तेरे को देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। 4100 ले ले, और ये बस मेरे को दे दे यार, दे दे यार बंदा, ठीक है, दे दे, बहुत अच्छा बंदा है तू, दे दे। अबे देख देना अबे क्या नाटक कर रहा है, ठीक है। ये बंदा नहीं देगा, सामने वाली बस है ना उसको मैं बाय कर सकता हूँ। तो फिर अभी ना मैं चैलेंज के अंदर ना एक और चैलेंज लेने का सोच रहा हूँ, मतलब गाइस ये चैलेंज ना मुझे 10 दिन में कंप्लीट करना चाहिए बिल्कुल से, आज ना गाइस 8 तारीख है, मतलब यहाँ पे 8 तारीख है, तो मुझे ना अगले मतलब 17 तारीख तक ना कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा चैलेंज, 17 तारीख से पहले कंप्लीट होना चाहिए। अगर 18 तारीख निकल जाती ना तो समझो मैं चैलेंज हार गया, ठीक है। 10 दिन में कंप्लीट करना चाहिए मेरे को, चैलेंज को बहुत ज़्यादा हार्ड करने का बस, ठीक है। इतने चैलेंज बहुत हो गया, अभी बहुत ज़्यादा हार्ड तो हो गया। अभी देखते गए मैंने एक बस बाय कर ली, उसके बाद में अभी विलेज में जाते हैं, विलेज में नहीं, मैं तो ऑलरेडी विलेज में हूँ। अभी अपने शोरूम पे मैंने इसको मस्त ला के पार्क कर दिया, और सेल पे भी लगा के रखा, ठीक है। अभी ने कस्टमर भी आ रखी है, अभी देखते हैं ये मैडम अपने को कितनी प्राइस देगी, ठीक है। मैडम इसकी ना मेरे को 10,000 दे दो, इतनी तो नहीं देगी, देखते फिर भी ट्राई करके, ठीक है यार ये बहुत कम दे रही है, पर इसके बाद में बार्गिंग अपन करेंगे, ठीक है। मैडम अपना इसकी मेरे को प्राइस दो 7,000, ठीक है। आपको मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, 7,000 दे दो और निकल लो यार, नहीं बोल रही बंदी, ठीक है तुम निकलो यार, कोई और कस्टमर भी तो नहीं आ रहा यार, फिर इसको दे दूँ क्या मैं, ठीक है। देखते अभी कोई कस्टमर आता है तो, ठीक है, वरना इसके साथ में थोड़ी बार्गिंग कर लेते और, ठीक है। मैडम मैं आपको ना थोड़ा ऑफर कम कर देता हूँ आपके लिए, अभी आपके लिए ऑफर है ना गई तो, ठीक है, 6,000 बहुत ही कम कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा चीप कर दिया अभी, अभी तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। मैडम ने अपनी बस बाय कर ली और मेरे पास में अभी हो गए 6,207 डॉलर। ओके, तो गाइस अभी क्या मैं कोई BMW सीरीज बाय कर सकता हूँ, या फिर मेरे को फिर से कोई बस ही बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ की तो कोई कार बाय नहीं कर सकता, देखो सामने एक टेस्ला खड़ी है, उसके और तो जाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बस बाय कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन देखेंगे, दो बस अगर मैं सेल कर दूँ ना तो मेरे पास में लगभग 8,000 या 9,000 तो हो जाएगी, इसके बाद में थोड़ी बार्गिंग करते, ठीक है। 4,400 इतने में तो तेरे को देना पड़ेगी बेटा, अभी नाटक ना करना, सीधा सीधा दे दे यार, नहीं यार ये मान ही नहीं रहा है, बहुत नाटक कर रहा है, ठीक है। 4,600 बहुत ही महंगी प्राइस दे रहा है यार तू मेरे को, ठीक है, दे दी बंदे ने फाइनली बस दी इसने, बट महंगे प्राइस में दिया, अभी कितने में जाएगी पता भी नहीं मेरे को, ठीक है। देखते अभी सेल करने की ट्राई तो करते हैं महंगे से महंगे प्राइस में, और भी मैंने इसको सेल पे लगा दिया। अभी मैडम भी आ रही है, ओके मैडम यार दे दो, इसकी प्राइस ना थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए आपने, क्योंकि यार थोड़ी महंगी यार, ठीक है। अभी इसके बाद में बार्गिंग भी नहीं करूँगा मैं, इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा चीप थी, अभी मैं क्या करूँगा, अभी कोई कार भी बाय नहीं कर सकता, अभी रात भी होने
जूनियर तो अभी जाके ना अपने कंटेनर पे जाके सो जाते, उसके बाद में देखते क्या करना है। तो कहते अभी इतना ज्यादा टाइम होगा, फिर भी मेरे पास में ना $10,000 भी नहीं हुए, 1 मिलियन कब हो गई पता भी नहीं है। ठीक है अभी देखते मेरी बस सेल हो जाए, बस एक बार बस सेल हो जाती है, अपने काम फटाफट हो जाएगी, बस एक बार बस सेल होनी चाहिए। तब तक मैं क्या करता हूँ, जब तक कोई कस्टमर आता है ना तब तक मैं अपना मेटल वेटल जमा करता हूँ और इस बंदे को भेज देते जंक यार्ड में ना, थोड़ा बहुत बिजनेस हो जाता है अपना, मतलब $400-500 मिल जाते हैं ना, उतने में बहुत ज़्यादा अपना फ़ायदा हो जाता है। ठीक है क्योंकि अपने ना बहुत गरीबी यार, इतनी ज़्यादा गरीबी ना, अभी मेरे को $100 के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ठीक है अभी यहाँ से मेरे को थोड़े डॉलर तो मिल गए, अभी क्या देखते कोई कस्टमर आ रखा होगा ना उससे बात करते और देखते अपनी बस है ना कितने में बाय कर पाएगा अभी कोई। ओके बस एक बार ना मेरे पास में थोड़े ज़्यादा डॉलर हो जाए ना तो मैं फटाफट से बिजनेस कर पाऊंगा, बट गए थोड़े डॉलर कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक बंदा तो आ रखा है, ठीक है सर बोलो आपकी प्राइस कितनी, थोड़ी एक्स्ट्रा प्राइस दे दो यार आप तो दे दो। ठीक है 11,000 मैंने लगा के रखी, 5,800 ये बंदा बोल रहा है, ठीक है 6,500 कम प्राइस में आपको दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा फायदा नहीं कमा रहा हूँ, 1,000-1,500 का मैंने फायदा कमा लिया, बहुत हो गया उतने अपने लिए। तो यदि अपना चैलेंज पूरा बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है मेरे लिए, मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। चैलेंज $0 से $100 कमाना है, उसके बाद में मैं ड्रैग रेस में नहीं जा सकता, उसके बाद में मेरे को 10 दिन में कंप्लीट करना है, बस 10 दिन में। ठीक है और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी गाइस मैं कोई कार बाय कर पाऊंगा अपनी फर्स्ट कार ना तो अभी मैं बाइक कर सकता हूँ, ठीक है Q7 में बाइक कर सकता हूँ, लगता तो मेरे को 4G गाड़ी, ठीक है BMW ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस यही वो कार है जो अपने को हमेशा गरीबी में सहारा देती, ठीक है अभी इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, मैं इसके बाद में थोड़ी बारगेनिंग करता हूँ, 8,500, ठीक है 8,500 दे दे यार भाई, मेरे पास में इतने डॉलर है नहीं दे रहा, ठीक है मेरे पास जितने ना उतने ट्राई कर देता हूँ, अभी देगा तो सही है वरना ठीक है जाने देते हैं। $8,630 दे दे भाई दे दे, ओके बंदे ने दे दी, $7 बचे बस, इतनी गरीबी तो मैंने जिंदगी में भी नहीं देखी थी यार, $7 अपने अकाउंट में, पता है कि $7 एक BMW, ठीक है BMW है ना, इसको मैं थोड़े महंगे प्राइस में सेल कर सकता हूँ और गए थोड़े डॉलर कमा सकते हैं अभी अपन। तो ये चैलेंज तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, बट गए 10 दिन से पहले करना है ना वो थोड़ा मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, 10 दिन में क्या कंप्लीट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा देखते यार, फटाफट करना पड़ेगा अभी मेरे को, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा सेलिंग कर सकता हूँ उतनी ज़्यादा फटाफट कर देंगे, अभी रिपेयर वगैरह तो नहीं कर सकता, $7 में तो उसका कुछ भी नहीं होगा, मतलब रिपेयर स्टेशन वाला बंदा ना इसे लात मार के भगा देगा $60 देखते, ठीक है अभी इसको सेल पे लगाते उसके बाद में ना फटाफट इसको सेल कर देते। वैसे गज मेरे अकाउंट में एक और कार पड़ी, बट वो कहाँ पर है पता नहीं, उसका मैं यूज़ भी नहीं करने वाला, वैसे ही कहीं तो मैप में पड़ी है मतलब खो गई है, उसको मैं कोई यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि उसका चैलेंज में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, उस कार को ना मैं ढूंढने भी नहीं वाला और उसको मैं देखने भी नहीं वाला, वो कहाँ पर पड़ी मुझे पता भी नहीं। ठीक है अभी कहते अपने को अपना मेन काम पर फोकस करना है, ठीक है अभी थोड़ा इसको ना मैं वॉश कर लेता हूँ, थोड़ी अच्छी दिखेंगी ना तो थोड़ी महंगी प्राइस में ना सेल हो जाएगी। यहाँ पर देखो कस्टमर आ रखे, अब इनसे बात करके देखते हो, ओके मैडम दोनों सेम टू सेम है, अरे जुड़वा सिस्टर आ रखी यार इधर, तो ठीक है मैम बोलो यार कितनी प्राइस दोगे यार, अपना थोड़ी महंगी प्राइस दे ही दो आज मेरे को, दे ही दो 11,300 यार निकल लो यार। ठीक है आप बोलो मैडम आपकी प्राइस क्या थी, इस मैडम की प्राइस है देखते कितनी प्राइस है, 12,000, ठीक है 12,800, ओके ये मैडम अपने को ना 14,000 तो दे ही देगी, ओके मैडम दे दो 14,000 दे दो कोई टेंशन नहीं, ओके गाइस थोड़े पैसे तो कमा लिए अपन ने, डॉलर कमा लिए गाइस, $14,000 अपने पास में अभी आ चुके हैं। तो गाइस धीरे धीरे अपन अभी ग्रो हो रहे हैं, 14,000 आगे मतलब बहुत बड़ी बात है अपने लिए, 14,000 भी अपने पास में नहीं थे, $0 थे, अभी 14,000 है उसमें से $10 खर्चा हो गए, चलो कोई बात नहीं ऑडी Q7 ट्राई कर लूँगा। ठीक है मैडम अगर दोगे ना आप सस्ते में तो मैं बाय कर लूँगा यार, बट इसकी प्राइस थोड़ी महंगी है, मैं रहने तो मैं बाद में आऊँगा, अगर आप मेरे पास में डॉलर आएंगे ना ज़्यादा तब आऊँगा आपके पास में, सुप्रा के और तो मैं जा भी नहीं सकता। यहाँ पे एक और देखो स्कोडा खड़ी है और ऑडी भी खड़ी, ठीक है सर बोलो आपकी ऑडी की प्राइस कितनी है, दोगे क्या मेरे को, ओके 7,000 नहीं नहीं बहुत ही कम यार इसकी प्राइस, ठीक है 7,000 में दे दो, ठीक है ज़्यादा प्राइस कम नहीं करेगा, ठीक है इसकी इतना थोड़ी सस्ते में दे रहा अपने को नहीं दे रहा है फिर भी, ठीक है थोड़ी प्राइस बढ़ा देते इसको मैं देता हूँ 7,300 इतने में तो देगा बंदा, ठीक है 7,300 और गाइस दे दे भाई, ओके ऑडी बाय कर ली गई बहुत ही सस्ते में बाय कर ली, ये लकीली मेरे को मिल गया तो अच्छी प्राइस में, ओके गए तो अभी भी मेरे पास में $6,600 पड़े, तो इससे मैं कोई और कार बाय कर सकता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे 50% डैमेज कार है, ओके सस्ते में भी मिल गई जिसको मैं रिपेयर तो नहीं करवाऊंगा बट बहुत सस्ती तो मैं बाय कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास में डॉलर नहीं है ज़्यादा। 5,500 दे दे यार भाई दे दे भाई दे दे, बहुत डैमेज यार नहीं मान रहा है बंदा,
बहुत ही चीप प्राइस में तो दे रहा है, ठीक है 5700 में तो दे दे भाई, ये तेरे लिए फाइनल ऑफर है। और दो दो कार बाय कर ली अपने, देखो गाइस अपना बिजनेस ग्रो हो रहा है, एक साथ दो दो कार बाय कर ली मतलब ग्रोथ हो गया। देखो अभी मैंने दोनों कार सेल पे लगा दी और कस्टमर भी आ रखे, ठीक है सर बोलो आपकी प्राइस क्या है, फटाक से प्राइस दो और फटाक से कार लेके जाओ। बहुत ही बढ़िया कार है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, बट आपकी प्राइस बहुत कम है, मैं बहुत सारे कस्टमर आ रखे तो मैं किसी और से बात करके देखता हूँ, ठीक है सर आप बोलो। 11000 ठीक अच्छी प्राइस तो दे रहा है बंदा, 13000 ठीक है मैं ज़्यादा भी प्राइस नहीं दूंगा, मतलब आपको नहीं बोलूँगा, आप कम प्राइस में दे दो यार, नहीं मान रहा है बंदा। अबे 13000 इतने कम प्राइस बोला मेरी भी नहीं मान रहा, ठीक है अभी देखते हैं भैया आप सर आप बोलो। ओके 10000 यार ये तो बहुत ही कम बोल रहा है, कोई अच्छा कस्टमर नहीं आया क्या, ठीक है वो भी कस्टमर भाग के, ठीक है ये मैडम से बात करते हैं। ओके मैडम आप बोलो आपकी प्राइस कितनी, आप दोगे मेरे को ना, आप शक्ल से अमीर लग रहे हो, 10000 यार क्या प्राइस दे रहे हो यार आप लोग, ठीक है सर आप बोलो, आप ना थोड़े अमीर लग रहे हो मेरे को तो, आप ना थोड़ी महंगी प्राइस डाली दो आज, आज दिखा दो आपकी पावर सर, ठीक है 11000 दिखा दी सर ने अपनी पावर, अभी 12800 ठीक है इतनी तो दे दो यार, इतना तो चलेगा। ओके ओके दे दो यार, नहीं मान रहा है बंदा, चलो जाओ यार मेरे को नहीं देनी तुम लोगों को यार, इतनी कम प्राइस में नहीं दे सकता यार मैं तुम लोगों को, ठीक है इस बंदे ने अपने को कुछ अच्छा ऑफर किया था ना, नहीं यार ये भी तो कम ही कर रहा है, ठीक है अभी कम में दे दे दो 12000 दे दो अभी, दे दो भाई दे दो सर दे दो, अभी दे दिया सर ने, ओके 12000 कमा लिए, अभी ये वाली कार ना सेल करते देखते अभी ये बंदी कितना ऑफर करेंगी, ये डैमेज तो बहुत है इसकी, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा प्राइस मिलेगी, 10000 फिर भी बंदी ने ऑफर कर दी, ठीक है मैम आपको 12000 में दे दो, कोई टेंशन नहीं है 12000 दो और आपकी कार नहीं मानेगी, पता था मेरे को इतने में तो नहीं देगी, 11500 ठीक है आपके लिए मैंने और भी प्राइस कम कर दी, बहुत ही बढ़िया कार है मैडम। ओके दोनों कार सेल कर दी और 25000 कमा लिए, मतलब बहुत ही तगड़ी वाली कमाई अपनी हो गई है। ओके गए तो अभी ना मैं थोड़ी अच्छी कार बाय कर सकता हूँ, डॉज चार्जर ट्राई कर लेते देखते 27000 की, मेरे पास में 25000 है तो ये बंदा देगा नहीं मेरे को पता है लगता है, ट्राई कर लेते 25000 में दे दे भाई, अबे दे दे यार दे दे, ओके बंदे ने दे दी $17 बचे बस, बट इतनी अच्छी कार पार्क कर ली मैंने, इसको मैं महंगे प्राइस में सेल कर सकता हूँ, रिपेयर नहीं कर सकता मैं इसको, डायरेक्ट ही सेल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं कर देंगे सेल, बट इसके मेरे को अच्छी प्राइस मिलनी चाहिए, देखते हैं अभी कितनी प्राइस मिलेगी। अभी मैंने अपने कार को शोरूम पे लेके आ गया था, अभी ना इसको इधर मस्त से पार्क कर देते, उसके बाद में इसको वॉश भी कर देंगे अपन, उसके बाद में इसको अभी सेल करते, पहले तो इसको मैं सेल पे लगाता हूँ, उसके बाद में बाकी चीज़ें अपन कर देंगे फटाफट से। तो इस कार की प्राइस ना अपन थोड़ी एक्स्ट्रा डाल सकते, 45000 डाल दी मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं डाल दी ऐसा लग रहा है ना, ठीक है देखते 35 ही मिलते हैं ना तो बहुत हो जाएंगे, देखते 35 भी अगर मिलते हैं ना तभी भी 10000 का फायदा तो मेरा हो ही जाएगा, देखते होगा या नहीं होगा। थोड़ा वॉश कर दे, थोड़ा क्लीन करवा लेते मस्त से, चकाचक चमक गई अभी कार ना अपनी, एकदम चकाचक चमक गई है। अभी उस साइड से कस्टमर भी आ रहा गाड़ी को, अभी पूरी क्लीन हो गई, अभी उस कस्टमर से बात करके देखते भैया तू दे दे मेरे को 14000 दे दे भाई तू दे दे, बहुत बढ़िया बंदा लग रहा है मेरे को तू 14000 दे दे भाई दे दे, देखती कितने देता है बंदा। अबे ये क्या बोल रहा है 13000, अबे यार बहुत ही कम बोल रहा है यार ये बंदा, ठीक है 35 तो देगा तू, 35 बहुत सही प्राइस है बेटा, तेरे को बहुत सही कार मिलेगी। अबे नहीं मान रहा यार ये, ठीक है इसको नहीं दूंगा मैं, ठीक है इसको नहीं देंगे, बट कोई कस्टमर भी तो नहीं यार इसके अलावा, इसको ही देना पड़ेगी क्या यार इतने कम प्राइस में, कैसे दूं मैं इसको, ठीक है थोड़ी लास्ट बार्गिंग कर लेते हैं 32000 बहुत कम कर दिए मैंने अभी ना, बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए। ओके ठीक है कम प्राइस में मैंने अभी इस कार को सेल कर दिया, क्योंकि मेरे को ना अभी कार ऑक्शन में जाना है, क्योंकि वहाँ पे ना मेरे को ना अच्छी कार मिलती है और कम प्राइस में मिलती है और 0% डैमेज होती है, ज़्यादातर कार ना डैमेज होती नहीं, इसलिए ना मेरे को कार ऑक्शन से कार बाय करनी और कम प्राइस में मिल जाती, यहाँ की जो भी कार करूँगा ना मैं बाय गाइस उससे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है, इसीलिए ना मेरे गाइस पहले मैं कार ऑक्शन में आ गया, देखते अभी यहाँ पे एक दो कार भी मिल जाना सस्ती सस्ती तो अपना फायदा हो जाएगा 15000 की, ठीक है। ओके तो BMW आ गई, ऐसी कार तो पहले मैं बाय भी नहीं करता था, बट गई अभी तो मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ यार, क्योंकि इसको मेरे को बाय करना है, ऐसी सस्ती कार तो अभी मेरे को चाहिए, ज़्यादा सस्ती कार होगी ना उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है 8000 यार कुछ महंगी नहीं जा रही तू, 9000 से ऊपर मत जाना, 0% डैमेज, इसीलिए मैं तेरे पे ना बीट लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता मैं, ठीक है 9000 मैंने लगा दिए। ओके मिल गए भैया लकीली मिल गए मेरे को, उसके बाद में क्या लेक्सस आ रखी है, ठीक है रेंदे दे, ठीक है लास्ट में भी सुपर आ गई, ठीक है यार एक ही कार में बाय कर पाया, ज़्यादा कार तो मैं इधर बाय नहीं कर पाया, मेरे को लगा दो कार भी बाय करूँगा तो मज़ा आ जाएगा, बट एक ही कार बाय कर पाया, ठीक है। अभी गाइस मैं अपनी BMW के शोरूम पे आ गया हूँ और मैंने एक और कार भी बाय कर ली, अभी गाइस दोनों को सेल पे लगा के रखा है, अभी फटाफट से इन सारी कार को ना सेल कर लेते हैं। ओके मैडम तो बोलो आप कितनी प्राइस दोगे, बहुत ही महंगी कार है 14500 आप दे दो, आपको बहुत ही बढ़िया कार मिल जाएगी। अबे नहीं बोली यार ये बंदी, इतने क्या चीप लोग आ रहे हैं इधर, ठीक है 14000 फाइनल ऑफर, इतने तो दे ही दोगे आप, मुझे बताएं आप अमीर तो लग रहे हो, ठीक है। ओके तो अभी देखो भाई जी ये कार तो मैंने सेल कर दी, अभी एक और कार सेल पे लगा के रखी तो इसको भी जल्दी से सेल करते, उसके बाद में और कुछ कार बाय करेंगे फटाफट से, उसके बाद में देखते और बिजनेस करने में कितना टाइम लगने वाला है। ओके सर बोलो आपकी प्राइस कितनी, कितनी प्राइस दोगे आप महंगी कार है 27000, ठीक है
30,000 दे दो, बहुत हो गया मेरे लिए, 30,000 दे दो, बहुत सही प्राइस। ओके गाइज 50,000 कंप्लीट हो चुके हैं और 11th डे चल रहा है, यानी कि मेरे को 17 डे तक कंप्लीट करना है। मतलब मैंने 8 डे से स्टार्ट किया था, 17 डे तक कंप्लीट करना है, तो अभी भी मेरे पास में 6 दिन तो है गए, 6 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा तो हो जाएगा। बट अभी तो 50,000 ही हुए, 50,000 कहाँ और $1 million किधर है, बहुत ही लंबा फासला अभी भी। बट करेंगे यार अपन, क्योंकि अभी ना अपना बिजनेस थोड़ा फास्टली ग्रो होगा, थोड़ी महंगी कार बाय कर पाएंगे ना तो फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, तो थोड़ा बिजनेस अपने को अच्छे से करना पड़ेगा और फटाफट भी ग्रो हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं कोई कार बाय नहीं कर सकता है, ठीक है, देखते हैं अभी कौन सी कार अपने को बजट में मिलेगी तो मैं बाय कर लूँगा। वैसे वो सेकंड नंबर वाली कार मैंने बाय कर ली, अभी लास्ट में कोई अच्छी कार आ जाए तो मैं बाय कर लूँगा, देखते हैं। अभी तो लास्ट टाइम भी मैंने ऑक्शन से मैंने एक ही कार बाय की थी, अभी देखते हैं लास्ट में। अबे रहने दो यार, ये कार क्यों चाहिए यार, अभी नहीं बाय कर सकता मैं इसको, तो अभी आ रही है। ठीक है, अभी रहने देते, एक कार मैंने बाय कर दी तो उसको लेके जाएंगे और फटाफट से उस कार को सेल कर देंगे। ओके, तो अपनी सारी कार्स के लिए अभी कुछ कस्टमर आ चुके हैं, एक स्कोडा के लिए यहाँ पे एक सर खड़े। ओके सर, बोलिए कितनी, बहुत ज़्यादा डैमेज तो थी अपनी कार, ये सर अपने को कितने ऑफर करेंगे? ठीक है, ऑफर तो कर रहे हैं अपने को, बट अपन इसके साथ में थोड़ी बार्गिंग करके ट्राई करेंगे कि अपने को 38,000 दे देगा ये बंदा, बहुत सही बंदा लग रहा है मेरे को। 38,000 और बंदे ने बाय कर ली। ओके, 38,000 में बंदे ने एक कार बाय कर ली। अब एक मैडम आ रही है, इनसे बात करते। ओके मैम, आप भी ना इसको 40,000 में बाय कर लो, इतनी महंगी तो नहीं है कार, बट फिर भी थोड़ी बार्गिंग इसके साथ भी अपन कर सकते हैं, बट ये बहुत ही चीप प्राइस बोल रही थी इसलिए मैंने इसको वापस भेज दिया। अभी कोई और कस्टमर का वेट करते हैं अपन। और गाइस अभी मेरे पास में 2 स्किल पॉइंट भी, मतलब मैं कुछ ना कुछ अनलॉक कर सकता हूँ, इसीलिए गाइस मैंने ना एम्प्लॉय वॉशिंग अनलॉक कर दिया। अभी ना ये एम्प्लॉय अपना वॉश करेगा, अभी कर देना, अभी कार वॉश करना, इधर खड़ा क्या रह रहा है? ठीक है, ये बंदा तो अभी कर नहीं रहा, चाहे बाद में करेगा, देखेंगे बाद में कब करेगा, बट करना चाहिए इसने, ठीक है, काम करना चाहिए। ठीक है, एक और कस्टमर आ रहा है, इससे बात करके देखते हैं। ये बंदे ने अपने को अच्छी प्राइस दे दी तो सेल कर देंगे, और ये बंदा अपने को प्राइस दे रहा है 25,000, ठीक है, कम दे रहा है, बट ठीक है थोड़ी बार्गिंग कर लेते। 30,000 देगा क्या भाई तू? 30,000 दे देना, बहुत सही रहेगा, बट ये बंदा 30,000 नहीं देगा, मेरे को पता था, इसके लिए मैं थोड़ी प्राइस कम नहीं कर सकता, किसी और कस्टमर को सेल करेंगे अपन, क्योंकि इतने कम प्राइस में तो अपन अपनी कोई भी कार सेल नहीं कर सकते। अभी भी मेरे पास में 53,000 है, तो मैं कोई और कार बाय कर सकता हूँ, इसीलिए मैं अभी ना कार मार्केट में अगर कोई कार बाय करने के लिए देखते, कोई सस्ती सी कार अगर मिल जाती ना तो बाय कर लेंगे। टेस्ला यहाँ पे खड़ी, टेस्ला में बाय कर सकता हूँ क्या? ठीक है सर, बोलो आपकी टेस्ला की प्राइस क्या है? ठीक है, ये बंदे की प्राइस देखते एक बार चेक करके। ओके प्राइस तो 59,000 है, तो ये 53 में देगा क्या नहीं देगा पता नहीं। ठीक है, मेरे पास में 53 में तेरे को देने के लिए तैयार, अपने सारे डॉलर दे दे और ले ले, नहीं दे रहे रे, ठीक है पता था नहीं करेगा, चल ठीक है जाने दे, रहने दे, तेरे को बाद में बाय करेंगे अपन। कोई और कार ट्राई करते, तो कौन सी कार ट्राई करें? ठीक है, एक और टेस्ला भी खड़ी सामने। ओके ठीक है, एक 7-8 भी, बट 7-8 पे तो ज़्यादा प्राइस होगी। अभी देखते एक और टेस्ला, 44,000 की डैमेज है, बट इतनी सस्ती कैसे? ठीक है, 41,000 में मिल जाएगी, सस्ते में मिल जाएगी, 41,000 में टेस्ला बाय कर ली, बहुत ही सही प्राइस में मिल गया अभी अपने को। ओके गाइस, तो अभी ना अपन महंगी महंगी कार बाय करना भी स्टार्ट कर दिया, अभी अपने पास में एक टेस्ला है, उसके बाद में अपन और भी महंगी कार बाय कर सकते हैं। अगर इसको मैं अभी सेल करता हूँ ना गाइस, थोड़ी प्राइस तो अपने को इसकी मिलनी चाहिए, थोड़े महंगे प्राइस में अगर ये कार चली जाती है ना तो अच्छे खासे डॉलर मेरे पास में आ जाएंगे। देखते पहले इसको थोड़ा रिपेयर करवा लेंगे, क्योंकि इस कार को अगर नया बना के बेचेंगे ना तो और भी ज़्यादा प्राइस अपने को मिलती है, और अपन बिना रिपेयर कराए भी नहीं कार सेल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चाहिए तो उनको रिपेयर करवाना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफाई वगैरह कर देंगे, बस इसका पेंट वेंट चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि व्हाइट कलर में ना टेस्ला व्हाइट कलर में बहुत ज़्यादा सही लगती है। ठीक है, उसका ना रियल कलर भी वही होता है। ठीक है, कुछ कस्टमर आ रखे हैं, इनसे बात करते हैं, 2-3 कस्टमर आ रखे। ठीक है सर, बोलो आपकी प्राइस क्या है, कितनी प्राइस दोगे? ये बंदा यार, ये तो बहुत ही कम प्राइस दे रहे हैं आजकल बंदे। ठीक है, 27 तो बोल रहा है, 30,000 अभी ले ले और दे दे भैया, 30,000 में। ओके ठीक है, बंदा मानेगा नहीं मानेगा। ओके 30,000 में बंदे ने बाय कर लिया, अच्छी प्राइस में चली गई, थोड़ा फ़ायदा हुआ, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। अभी गाइस मैंने अपनी टेस्ला ना मस्त से रिपेयर करवा के मॉडिफाई करवा के लेके आई, अभी बस इसको सेल पे लगाना और इसको जल्दी से सेल कर देना है। अभी देखते हैं अपनी टेस्ला कितनी प्राइस में रहेगी। ठीक है, टेस्ला कार तो बढ़िया, ठीक है, इसका पहले एक फोटो खींचते और अपना एम्प्लॉय देखो, अभी मस्त से वॉश करना भी इसने स्टार्ट कर दिया, अभी अपने को वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी अपना एम्प्लॉय ना वही मस्त कार ना क्लीन कर देगा। ठीक है, 95,000 मैंने लगा दिए, देखते कितनी प्राइस मिलेगी यार, 70,000 तो मिलनी चाहिए, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि 70,000 तक चली जाए, बट जाना मुश्किल है। ठीक है, ये बंदा देखो यार, बहुत ही कम ऑफर कर रहा है, 64,000 में ये बंदा ऑफर कर रहा है, इसको मैं 70,000 में सेल करने की कोशिश करता हूँ, बट ये बंदा बाय करेगा। ओके बंदे ने बाय कर ली, 70,000 में टेस्ला मैंने बेच दी, मैं उतने में बेचना चाहता था और उसी प्राइस में मैंने सेल कर दी। ठीक है, तो अच्छे प्राइस में अभी चली गई, अभी एक बार फिर से ना मैं कार मार्केट में आ गया और एक और टेस्ला थी उसको भी मैं बाय कर सकता हूँ, बट गज 7-8 ट्राई करते, ये कार ना थोड़ी महंगी और इसकी प्राइस भी अपने को ज़्यादा मिल सकती है, इसको ट्राई करते। 82,000 मेरे पास में 78 है, थोड़ी इसको मैं ऑफर दे दे रहा हूँ। ठीक है,
76,000 का ऑफर दे दिया। ले लो भाई ले लो, कोई टेंशन नहीं, 76,000 में दे दो आराम से बाइक ली, ठीक है। 2,000 बज भी गए मेरे पास में, और एक बहुत ही महंगी लग्जरी कार भी अपन ने बाय कर ली। ओके गाइस, तो अभी अपना बिजनेस ना फटाफट ग्रो हो रहा है, क्योंकि मैं महंगी महंगी कारें बाय कर रहा हूँ और उन्हें फटाफट सेल भी कर दे रहा हूँ ना, तो अपना बिजनेस फटाफट ग्रो हो रहा है। देखो अभी मेरे पास में 2,000 बचे हैं बस। बट गाइस मेरे पास में कार देखो कितनी सारी, बहुत सारी कार है अपने पास में एक साथ में। देखो कितनी सारी कार है, वहाँ पे 3-4 कार खड़ी है। उसके बाद में इस कार को मैं रिपेयर पे लगवा के लेके आता हूँ, उन सभी कार को भी सेल पे लगवाना है, इसको रिपेयर करवाना, उसके बाद में ना और इससे भी महंगी कार बाय करनी, ठीक है। फटाफट से भाई तू रिपेयर कर दे, मैं 5 मिनट में आता हूँ, तब तक तू रिपेयर करके रख, मैं फटाफट से आता हूँ, ठीक। तो कुछ कार है वहाँ पे, तो उनको सेल पे लगाते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने सेल पे लगा के नहीं रखा था, ठीक है। इसको जल्दी सेल पे लगाते, 15,000 में लगवा देते, क्योंकि सस्ती कार है, ज़्यादा महंगी नहीं। अभी भी वहाँ पे 2-3 कार से, तो उनको भी फटाफट सेल पे लगाएंगे। अभी मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अपनी सारी कार सेल कर दूँ ना, शायद मेरे पास में 1.5-2 लाख तो जमा हो ही जाएंगे, ठीक है। देखते होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कार तो है मेरे पास में, बट इतनी महंगी महंगी कार नहीं। जो मेरे पास में जो सेवलेट है ना, वही सबसे ज़्यादा महंगी, ये कितने 20-30 हज़ार की कार है, इनको सबको भी सेल कर दूँ ना, शायद 60-70 हज़ार मेरे पास जमा हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। बट वो कार ना महंगे प्राइस में जाएगी, 1 लाख से तो ऊपर हो जाएगी, आराम से जाएगी। देखते कितने में जाएगी, पहले मैं अपनी इस कार को सेल पे लगाता, इसकी प्राइस में 40,000 लगा दी, देखते कितनी प्राइस मेरे को मिल पाएगी। 40,000 कुछ ज़्यादा लगा दी कि मैंने, 40,000 में जाएगी नहीं पता है मेरे को, इतनी महंगी तो नहीं जाती कभी। वो एक कस्टमर आ रहा, ओके मैम बोलो क्या प्राइस हो गया। मैम तो बहुत सही लग रही, ठीक है मैम 11,000। अबे यार BMW सीरीज है वो, 11,000 में नहीं आती वो, ठीक है सर आप बोलो आप कितनी प्राइस दोगे। ये बंदा अपने को प्राइस देने के लिए तैयार है, ओके 26,000 ही ऑफर कर रहा है, मैं इसको बार्गिंग कर लूँ कैसे साथ में, ठीक है रहने देते यार, ये बहुत ही कम प्राइस कर रहा है, ओके ठीक है। रात भी हो गया अभी, ठीक है Q7 को देखते ट्राई करके, बहुत ज़्यादा डैमेज थी, इसको रिपेयर भी नहीं करवाया मैंने, ठीक है ठीक है। 9,000 अबे यार इतनी कम, ठीक है फिर भी दे दे 11,000, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा है ना, 11,000 में ले लो यार। अबे यार ये क्या बंदी है, 11,000 भी नहीं दे रही, ठीक है 10,500, ठीक है अभी बहुत ही कम कर दिया मैंने प्राइस, ओके चलेगी ठीक है। फाइनली कार चलेगी एक मेरे पास में, 12,000 मेरे पास बचे, बढ़ गए मेरे पास में बहुत सारी रियर कारें। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, तो अभी देखो कार अपने पास में कितनी बढ़िया बढ़िया वाली है। तो अभी देखते ये बंदा अपने को कितनी ऑफर कर रहा है, 26,000 ऑफर कर रहा है, मैं इसको तो नहीं दूंगा, ठीक है इसको नहीं दूंगा मैं, 30,000 तो ऑफर करना चाहिए BMW सीरीज 1 के लिए, देखते क्या ऑफर है, ठीक है ओके इसके लिए ऑफर अपने पास में 12,000, तो इसको मैं दे दूंगा यार। 14,000 में ले ले यार भाई, अभी ना बहुत टाइम होगा इसको लेकर आया हूँ मैं, अभी तक सेल नहीं हो रही, बट गए अभी सेल हो गई, अभी गए ठीक है 12,000 में सेल हो गई। 7-8 गए, इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए, मतलब मिलनी चाहिए, देखते कितनी मिलेगी, ठीक है सर बोलो कितनी भाई, कितनी दोगे आप, कितनी दे कितनी सकते हो आप। इसकी प्राइस मैंने थोड़ी महंगी तो लगा करके, 1,08,000 ये बंदा देने के लिए तैयार है, 1,20,000 दे दो और कार बाय कर लो, बहुत ही लग्जरी कार है, 1,20,000 बाय कर ली, ओके भाई बाय कर ली, ओके 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 बहुत सही है, बहुत ही सही। अभी देखो मेरे पास में 1,46,000 है, और एक कार भी है अभी गाइज, मैं महंगी कार बाय करने वाला हूँ। अभी सस्ती कार बस होगी यार, अभी सस्ती वस्ती कार ना कोई बाय करने नहीं वाला, अभी महंगी महंगी कार बाय करेंगे अपन, लग्जरी कार बाय करेंगे ओनली, क्योंकि फटाफट अगर बिजनेस ग्रो करना है ना, तो लग्जरी कार तो बाय करनी पड़ेगी, ठीक है भाई ओके ठीक है। यहाँ पे सुपरा करिए, सुपरा आराम से बाय कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, बोल भाई 61,000 ठीक है कोई टेंशन नहीं, तू मुझे इसको 55,000 में दे दे आराम से, कोई टेंशन नहीं भाई। अभी तो कोई भी कार मैं बाय कर सकता हूँ, 55,000 में भी बंदे ने दे दी, और एक कार भी अच्छी ठीक है अच्छी कंडीशन में, बट इसको ना मैं अपने गैरेज पे भिजवा देता हूँ, थोड़ा रिपेयर भी करवाना पड़ेगा ना, रिपेयर तो करवाना पड़ेगा। एक और मस्टैंग भी यहाँ पे खड़ी, ठीक है मैं मस्टैंग भी दे दूँ आपकी, कोई टेंशन नहीं, पैसा बहुत ही डैमेज ज़रूर है कार, बट कोई टेंशन नहीं। 41,000 ये बंदी ऑफर करी, 36,000 में दे दो यार मैम, ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं आपको, 36,000 नहीं मान रही यार ये बंदी, ठीक है थोड़ी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, 38,000 2,000 से बढ़ा दी, अभी तो दे देगी ठीक है 38,000 में। एक मस्टैंग भी मैंने बाइक के लिए, मस्टैंग को लेके आते फटाफट, इसको भी सेल करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको थोड़ा रिपेयर वेपेयर करवाना पड़ेगा। बट गाइस अभी भी मेरे पास में बहुत ज़्यादा डॉलर है ना, तो मैं कुछ और कार भी बाय कर सकता हूँ, क्या कर देगा अभी इसको पेंट करवा लेते हैं, अभी जितनी भी कार है ना सभी को पेंट वेंट करवा के सेल करेंगे, तो और भी ज़्यादा प्राइस अपने को मिलेगी, क्योंकि गाइस अपना शोरूम है कोई नॉर्मल शोरूम नहीं, अपना शोरूम बहुत ज़्यादा ऑफिशियल है और बहुत ज़्यादा लग्जरी, तो यहाँ पे जितनी भी कार बिकेगी ना गाइस सभी मस्त पेंट वेंट होके रहेगी, उसके बाद में मस्त रिपेयर होके रहेगी, उसके बाद में उनकी गाइस मॉडिफिकेशन भी अच्छा खासा रहेगा, इसमें अपन रेसिंग किट वगैरह जितनी भी चीज़ें ना सब कुछ इंस्टॉल करवा रहे थे। इसके टायर तो बहुत ही बकवास है भाई, इतने बकवास टायर ना किसने बिठाया पता नहीं यार, बहुत ज़्यादा बकवास है। नंबर प्लेट भी चेंज करवा देंगे, उसके बाद में सबसे पहले इसके टायर चेंज करवाते हैं, कोई अच्छे टायर लगवाते यार जो इस पर ना सूट करे एकदम मस्त है, ओके ठीक है ये थोड़े सही तो लग रहे यार, नहीं ये रहने देते, ओके ये नहीं यार ये तो अजीब है, ओके ठीक है ये भी थोड़े तो सही लग रहे यार, कौन से बढ़िया, ओके ठीक है
यही फाइनल करते बस हो गए ठीक है। और भी निकलते ज़्यादा खर्चा भी ठीक नहीं, क्योंकि कार को आखिर में सेल ही तो करना है, थोड़ा लिमिटेड खर्चा ही करना पड़ेगा ठीक है। अभी मैंने थोड़ा खर्चा करवा दिया इसमें, मतलब अच्छा खासा खर्चा किया इस कार पे मैंने। और के अंदर देखो अपनी सुप्रा भी खड़ी जिसको मैंने ब्लैक कलर की थी ना, इसको देखो अभी क्या खतरनाक कलर कर दिया मैंने। अभी देखो तीन तीन कस्टमर भी आ रखे हैं उसको सेल करते, पर उससे पहले निकल मस्टैंग को अपने सेल पे लगवा देते हैं। ओके तो अभी ना अलग ही लेवल का भैया बिजनेस होने वाला है, क्योंकि कार तो महंगी महंगी है, डॉलर भी बहुत ज़्यादा अपने पास में आ रहे हैं, तो कोई ज़्यादा टेंशन अभी मेरे को हो नहीं रहा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, बढ़ गए तो अभी ना अच्छे खासे डॉलर मेरे पास जमा हो गए, तो अभी कोई टेंशन नहीं, पैसों की कोई टेंशन नहीं है। फटाफट मैं कोई भी कार बाय कर सकता हूँ, कोई भी कार सेल कर सकता हूँ। फिर भी अभी भी ज़्यादा महंगी कार तो मैं नहीं बाय कर पा रहा, मतलब कोई BM, मतलब कोई लैम्बोर्गिनी या फिर कोई फरारी मैं अभी भी बाय नहीं कर पा रहा हूँ। उन कार को अगर बाइक कर लूँ ना तो भैया अमीरी मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी अपनी। ओके ठीक है, तो ये मैडम ना मस्टैंग को खरीदने के लिए आ चुकी, देखते हैं इनकी प्राइस क्या, इतनी कम प्राइस कैसे बोल सकते हो मैम आप। निकलो यार आप रुको भी मत इधर, इतनी महंगी कार हो इतनी कम प्राइस बोली ठीक है। ओके कहते हो ना मैंने एक और मस्टैंग बाय कर ली, ये मस्टैंग मैंने कार ऑक्शन से बाय की थी, ये 0% डैमेज है और बहुत ही बढ़िया कंडीशन में ठीक है। इसको भी जल्दी से सेल पे लगवा देते ठीक है, फटाफट से गाइस फटाफट करना पड़ेगा काम। 80,000 कुछ ज़्यादा नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं चलता है, 60,000 में जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, वरना कुछ इतना बढ़िया नहीं होगा ठीक है। देखते हैं अभी कस्टमर का वेट करना पड़ेगा यार, कस्टमर का वेट करूँ या फिर विलेज से कोई कार बाय करके लिखा ठीक है। कस्टमर तो कोई आ नहीं रहा है, ओके ठीक है आ गया यार कस्टमर भी आ गया ठीक है, वेट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी अपने को, कस्टमर आ रखा है ठीक है। सर बोलो बस आपकी प्राइस सस्ते में दे रहा हूँ मैं, या फिर आजकल थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑफर चल रहा है, फटाफट बिजनेस करना है तो ऑफर बहुत ज़्यादा चल रहा है अपने इधर ठीक है। बोलो आपकी प्राइस क्या है ठीक है, बस प्राइस बोलो, आपको मिल जाएगी 48,000 ठीक है, 48,000 ऑफर कर रहा है। चलो निकलो यार, इतना भी ऑफर नहीं था, इतना ज़्यादा ऑफर नहीं था, 50,000 तो बोलो यार कम से कम ठीक है। ये मैडम देखते, ये मैडम अपने को ऑफर कर रही है 49,000 यार, निकलो यार, क्या हो क्या रहा यार बंदों को यार, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे, इतनी कम प्राइस बोल रहे हैं यार, इनको शर्म भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा कम प्राइस बोल रहे हैं ठीक है। अभी नाइट भी हो चुकी है, अभी मेरे को जाके सोना पड़ेगा, और गाइस कल मेरे को मेरी सारी कार भी सेल करनी पड़ी, और शायद ना कल कार मार्केट भी ओपन रहेगा तो मजा आएगा ठीक है, कार मार्केट ओपन रहना चाहिए। ओके गाइस तो अभी कार मार्केट भी ओपन है, और कार मार्केट में देखते भैया महंगी महंगी कार देखते, कोई सबसे महंगी कार दिखा दो मेरे को। ओके फोर्चे यहाँ पे खड़ी है, देखते प्राइस कितनी है, बोलो सर। ओके बहुत ज़्यादा डैमेज है, 95% डैमेज है ठीक है, 1,44,000 इसको मैं बाय कर सकता हूँ ठीक है, मेरे पास में जितने उतने आपको ऑफर करता हूँ, 1,25,000 दे दो यार, दे दो सर दे दो। वे नहीं मान रहा है रे बंदा ठीक है, मेरे पास में ज़्यादा डॉलर तो नहीं, फिर भी इसको मैं ऑफर करूँगा 1,32,000 ठीक है, 1,32,000 दे दो यार, बहुत सही कार है ठीक है, बहुत ही महंगी कार बहुत ही कम प्राइस में बाय कर ली है, अब तक की सबसे महंगी कार मैंने बाय कर ली है, फोर्चे, और इतनी ज़्यादा महंगी प्राइस में बाय नहीं, क्योंकि डैमेज ना भैया इतनी ज़्यादा डैमेज, अगर मैं इसको कहीं ठोक दूँ ना नॉर्मली चलेगी भी नहीं है, वहीं पर रुक जाएगी, वहीं पर बंद पड़ जाएगी, और टोटल 100% डैमेज हो जाएगी पता है क्या ठीक है। सबसे पहले उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, और रिपेयर भी इतना खर्चा आने वाला है इस पर, बहुत ही ज़्यादा खर्चा आने वाला है, देखते कितना खर्चा आता है, बट रिपेयर करवाने में भी टाइम तो बहुत लगेगा, देखते पूरा टोटल खर्चा आने कितना वाला इसमें, देखते भैया 2-3 हज़ार का खर्चा आएगा, ज़्यादा तो नहीं आएगा फिर भी, ओके ठीक है ज़्यादा खर्चा नहीं, 1,800 का खर्चा है, कर दे भाई फटाफट पूरी डैमेज, A to Z पूरे साइड से डैमेज है, बस उसकी रोप है ना वो सही थी, पूरे डोर डैमेज है, पूरी मशीन डैमेज है, सब कुछ डैमेज है, बट उसकी रोप ठीक थी ठीक है। अभी देखते भैया कार फटाफट सेल कर दे, अभी डॉलर भी नहीं बचे मेरे पास में। तो कहते आज ना चौथी बार ऐसा हुआ है कि मेरे ना सारे डॉलर मैंने एक साथ खर्चा कर दिए, पूरे क्या पूरे डॉलर खर्चा कर दिए, अभी एक बार फिर से मैंने कर दिया, देखते यार इसकी प्राइस दे दो यार थोड़ी महंगी ठीक है। बंदे ने बाइक के लिए एक मस्टैंग तो चली गई, कम प्राइस में दे दी मैंने उसको, ज़्यादा महंगी प्राइस में नहीं दी। अभी देखते और कुछ कस्टमर आ रखे तो इनसे बात करते फटाफट से, और महंगी प्राइस मिलनी चाहिए ठीक है। इसका फोटो भी अपलोड कर दूँगी अपनी साइट पर, जल्दी जल्दी कस्टमर नहीं आ रहे ना इसलिए इसका फोटो डाल देते, फिर क्या फटाफट कस्टमर आ जाते, फटाफट इसका फोटो मैंने डाल दिया। अभी देखते कितने कस्टमर आते हैं यार, जल्दी जल्दी सेल होनी चाहिए कार, पर कस्टमर आ नहीं रहे यार, वेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा ठीक है। तो अभी कुछ कस्टमर आ रहे हैं, देखो एक मैडम आ रही, देखते ये मैडम अपने को कितनी प्राइस देगी। मैडम ना आप थोड़ी ज़्यादा प्राइस दे सकते हो यार, आप अमीर लग रहे हो ना, खानदानी अमीर लग रहे हो आप तो ठीक है, बोलो आप कितनी प्राइस बोलोगे ठीक है। ये बंदी अपने को ऑफर करिए 50,000 ठीक है, सही ऑफर कर दी बंदी ने, अभी मैं इसको 60,000 को ऑफर करता हूँ, बाय नहीं करेगी ऐसा लग तो रहा है मेरे को ठीक है, नहीं करने वाली थी ठीक है, इसको जाने देते फिर, 60,000 में तो जानी चाहिए यार, पर जा नहीं रही यार वो, इतनी प्राइस नहीं मिल पा रही उस कार की, पता नहीं कितने टाइम से मैंने उसको होल्ड करके रखा है, बट फिर भी मेरे को उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं मिली यार। ओके तो अभी ना अपनी फोर्चे ना रिपेयर हो गई होगी, देखते रिपेयर होगी। ओके तो अपनी फोर्चे अभी टोटली रिपेयर हो गई, अभी ना इसको क्या करेंगे, इस पर मैं थोड़ा खर्चा करवा सकता हूँ, इसको पेंट करेंगे, इसको मॉडिफाई भी करेंगे, उसके बाद में इसको सेल करेंगे ठीक है। पहले इसको ना मैं थोड़ा मॉडिफाई करवा लेता हूँ, उसके बाद में इसको पेंट करवा देंगे ठीक है। मॉडिफाई तो टोटल करवाने वाला मैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस अपने को निकालनी है,
पूरा न्यू कंडीशन मेरा इसको बना देंगे, ठीक है। अभी जो चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं ना सारी चीज़ें मैंने इस पर इंस्टॉल भी कर दी। इसकी नंबर प्लेट भी चेंज करवाते, ठीक है, कैलिफोर्निया वाली लगवा देते और गए तो अपनी ब्रांडिंग भी लगवाते गए, ठीक है, अपने चैनल का नाम इस पर डलवा देते फटाफट से, ठीक है गए, फटाफट से अपना नाम भी डलवा दिया। अभी इसकी ना टायर्स, इसके व्हील चेंज करवा देते जल्दी से, देखते यार कौन से करवा दूँ मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। महंगे वाले एकदम सही लग रहे हैं। अभी गाइस इसका कलर भी कोई यूनिक कलर करेंगे, कोई अलग कलर कर देंगे इसको अपन एकदम बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाइस ये मेरी ना इस गेम की सबसे महंगी कार है गाइस, बिल्कुल से इस गेम में ना मैंने कभी भी इतनी महंगी कार बाय नहीं की। फोर्चे मैंने फर्स्ट टाइम बाय की, 1 लाख से ज़्यादा प्राइस की तो कोई कार मैंने अभी तक बाय नहीं की, यही कार है जिसको मैंने बाय किया, ठीक है। इसका कलर अपन थोड़ा येल्लो तो नहीं, ठीक है, रेड तो ठीक सही तो लग रहा है, बट रेड नहीं करने वाला मैं, ग्रीन सोचता हूँ यार, ठीक है, ग्रीन में सही लगेगी ना, ठीक है, ओके, ग्रीन कलर कर दवा दिया। अभी इसको बस सेल करने का काम है, फटाफट से टोटली रेडी हो चुकी है न्यू कंडीशन में अपनी ब्रांड न्यू फोर्चे, बहुत ही कतलेआम लग रही है, कतलेआम मचाने वाली भैया ये कार ना, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लग रही, ठीक है। एक देखो कितने सारे कस्टमर आ रखे मस्टैंग के लिए ना, अभी बहुत सारे कस्टमर आ रखे, ठीक है। अभी इसको मैं इधर पार्क कर देता हूँ, इसको सेल पे लगवा देते, पहले कस्टमर से बात कर लूँगा, ठीक है, बोलो यार बहुत टाइम से कार ना सेल हो नहीं रही आपको, मैं सस्ते में दे दूँगा, अभी बहुत टाइम से मैंने इसको होल्ड कर लिया, अभी ना सस्ते में मिल जाएगी आपको, बस इतनी सस्ते में नहीं, ये बंदा तो बहुत ही कम ऑफर कर रहा था यार, ठीक है। इसको मैं 55 तक सेल कर पाऊँगा क्या, ठीक है, देखते हैं अभी, ओके 37 बोल रहा है, लास्ट टाइम एक बंदी ने 50 बोली थी उसकी प्राइस, ठीक है भाई इसको कोई बाइक कर नहीं रहा, ठीक है। फोर्चे को अभी सेल पे लगवा देते हैं और देखते हैं फोर्चे की प्राइस अपने को कितनी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इसकी प्राइस कितने तक मिल सकती, शायद 3 लाख तक मिल सकती, बट मैंने कहा इसकी प्राइस को ज़्यादा ही लगा देना रो, ठीक है, सीधी 6 लाख लगा दी, बहुत ज़्यादा लगा दी, इतनी नहीं लगवानी चाहिए थी बट लगवा दी, चलो कोई बात नहीं, क्या पता कोई बाइक कर ले, लगा देते यार ज़्यादा लगवाने में क्या जाता है अपना, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा प्राइस लगा दिया, इतनी महंगी तो नहीं जाएगी, उसके आधे प्राइस में जाना भी मुश्किल है, बट मैंने लगवा दिया अभी कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है यार ये बंदे क्या हो रहा है, कैरिस मस्टैंग को कोई बाय कर क्यों नहीं रहा यार, इतनी अच्छी कार है बट उसको कोई बाय करने के तैयार ही नहीं है। ओके ठीक है, फोर्चे के लिए अभी एक कस्टमर आ रखे, इससे बात करते हैं, इधर बोलो आप बस आपकी प्राइस बता दो मुझे, आपको मैं दे दूंगा, ओके 2,47,000, 3 लाख दे दो और लेके जाओ, बहुत सही कार थी तो नहीं यार, ठीक है नहीं कर रहा बंदा भाई, ठीक है। अभी ये मस्टैंग तो सेल हो जाए यार, मस्टैंग जल्दी से सेल हो जाए यार, कितना टाइम लगेगी पता नहीं यार, ये कार को कितना टाइम लगेगा सेल होने, ठीक है अभी तो हो जाओ 47,000, ठीक है ले लो यार सस्ते में दे देता हूँ मैं, ठीक है 57,000 तो नहीं ज़्यादा हो जाएगी, 55,000 दे दो और लेके जाओ यार, बहुत ही सस्ते में अभी मैंने दी आपको। अबे यार क्या नाटक यार, बहुत ज़्यादा नाटक है, 51,000 ले लो यार, गलती हो गई मेरी, स्टार्टिंग में अगर सेल कर देता ना 55 तक चली जाती भाई, बहुत ज़्यादा होल्ड कर दिया मैंने उसको और मेरे को अभी उसका नुकसान होगा, ठीक है। ओके मैडम बोलो, सुनहरे बाल वाली मैडम देखते क्या ऑफर करती है अपने को, 2,49,000 यार, ठीक है 3 लाख तो मिलना मुश्किल लग रही है अभी मेरे को, ठीक है 2,90,000 में ले लो यार, ठीक है 2,90,000 नहीं यार, ठीक है नए ऑफर ले रही है, ठीक है 2,80,000 ये तो फाइनल है, इससे कम तो नहीं करवा सकता मैं, 2,80,000 नहीं यार ये बंदी नहीं मान रही, चलो निकलो यार, ठीक है मेरे को नहीं देनी तुमको, इतनी कम तो नहीं कर सकते, ठीक है। एक और मैडम आ गई है, अभी इनसे बात करते हैं इनको ऑफर क्या है। ओके मैम बोलो 2 लाख, ओके ठीक है 2,53,000 है, इसके लिए अपने को 2,80,000 देते अपन इसको ऑफर, और ये बंदी बाय कर ले यार, अब यार ठीक है बंदी ने बाय कर ली, मेरे को लगा बाय नहीं की, बट रात रात होते होते नहीं गए, बंदी ने बाय कर ली, बहुत ही ज़्यादा डॉलर अभी मेरे पास में हो चुके हैं। ओके गए तो डॉलर बहुत सारे अभी मैं विलेज में आ गया, देखते हैं क्या नेक्सस बाय कर लेते हैं, देखते हैं ये बंदा कितनी ऑफर कर रहा है, 77,000 ऑफर कर रहा है, मैं इसको 72,000 दूंगा, ज़्यादा कम ऑफर नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है बहुत सही ऑफर तेरे को दिया, ओके बाय कर ली। तो गए मेरे पास में अभी भी 3,16,000 पड़े, बट गए अभी मेरे पास में बस 2 ही दिन बाकी, मैंने बोला था 1 मिलियन करूंगा बस 10 दिन में, यानी कि मैंने को कितने तारीख तक लिया था, मैंने 17 तारीख तक मैंने बोला था गाइस, और अभी 15 तारीख है, यानी कि बस 2 दिन बाकी गाइस, आज का दिन अगर छोड़ देना बस 2 दिन बाकी, ठीक है 3 दिन पकड़ लेते कोई बात नहीं, बट इतने कम समय में मैं कैसे कर पाऊंगा यार, अभी तो मेरे पास में बस 3 लाख हुए, पता नहीं अभी कैसे होंगे, फटाफट काम करना पड़ेगा अभी ना काम गाइस, और भी ज़्यादा फटाफट करना पड़ेगा, और महंगी महंगी कार ना फटाफट बाय करती रहनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है मैडम 33,000 में दे दो कोई टेंशन नहीं, 33 में नहीं दे रही है, ठीक है 35 में दे दो यार, सस्ते में दे दो यार, 0% डैमेज है, और ये कार ओके, एक मस्टैंग मैंने बाय की 0% डैमेज, ये कार बहुत सही समय भाई अपने को मिल गए, बहुत सही कार मिल गई अपने को, ठीक है अभी देखते हैं। यहाँ पे एक सुपरा खड़ी है तो सुपरा भी बाय करेंगे, इसको टो करवा देते फटाफट से, और ये सुपरा तो मैं लेके जाना लो कोई टेंशन नहीं, कितनी भी प्राइस हो लेकर तो मैं जाना लो, डैमेज बहुत ज़्यादा है 52% डैमेज है, ठीक है प्राइस भी ज़्यादा बोली है बंदी, 45,000 में दे दो क्योंकि डैमेज है ना आपकी कार, बहुत ज़्यादा डैमेज है, ठीक है 45,000 में नहीं दे रही है, तो इसको मैं 47,000
फाइनल ऑफर यार, बहुत ही ज़्यादा डैमेज आपकी कार, ठीक है, दे दी 47,000 में। इसको भी अभी सेल करना पड़ेगा, इसको रिपेयर विपेयर करवाने पे सेल करेंगे तो इसके अपने को 1 लाख तो प्राइस मिल ही जाएगी। देखते भैया 1 लाख भी मिलती है ना, बहुत ही बढ़िया प्राइस अपने को मिल सकती है। और भी देखो तीन तीन कार अपनी ना सेल पर लगी पड़ी है और कस्टमर भी बहुत सारे आ गए। देखो कितने सारे कस्टमर आ रखे और सारी कार ना 50,000 के ऊपर की प्राइस की, सारी महंगी महंगी कार है। अभी देखते हैं ये प्राइस अपने को कितनी मिलेगी। ठीक है मैडम बोलो, 1 लाख तो मैंने लगा के रखी है। और भाई 56,000 अभी निकलो यार, ये बेइज्जती करवा दे रही है, मेरी कार की बेइज्जती करवानी आई थी वो मैडम। ठीक है ये बंदा देखते हैं अभी क्या ऑफर करता है। लगता है मैंने नेक्सस बाय की ना बहुत ही गलत बाय कर रखी। ठीक है 79,000 दे दे भाई कि ज़्यादा प्राइस नहीं मिलने वाली, मैं इसको होल्ड नहीं करने वाला था 85,000 में सेल कर दी। ठीक है तो कहते अभी ना मेरे पास में समय कमी और अभी भी बहुत ज़्यादा डॉलर कमाने, अभी आधे भी डॉलर मैंने नहीं कमाए तो अभी भी बहुत ही कम समय मेरे पास में, और गए मेरे को डॉलर बहुत ज़्यादा कमाने, तो अभी मैं क्या करूँ यार, कोई महंगी कार मिल जाती है, अगर 4 लाख की अगर कोई कार मिलती ना तभी मेरी गाइस अर्निंग फटाफट हो सकती है, वरना मैं चैलेंज हार ही जाऊंगा। बट मेरे को हारना नहीं है, देखते भाई विलेज में कोई महंगी कार तो मिलती नहीं है। बट कहते अभी ना मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, क्योंकि कहते अभी डे कम बचे और विलेज में कोई महंगी कार मिलती नहीं। ठीक है कल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है अभी ना कल का दिन तो ऐसा ही निकल गया। बट कहते अभी ना कार मार्केट ओपन हो चुका है, 16वां डे, मतलब 2 दिन मेरे पास बाकी, आज का दिन और कल का दिन। और कहते अभी मैं महंगी महंगी कारें बाय कर सकता हूँ। ठीक है फरारी यार, ठीक है फरारी में बाय तो कराना चाहता हूँ, बट देखते हैं। ठीक है और कोई महंगी कार के, ठीक है फरारी में बाय करूँगा। ओके ऑडी R8 भी, ठीक है ऑडी R8 देखते, बहुत महंगी होती है गज, देखते भाई बोलो क्या प्राइस है। 5,34,000 इतने नहीं मेरे पास में, फरारी बाय कर सकता हूँ यार मैं। ठीक है फरारी अगर बाय कर लेता हूँ ना तो मैं 1-2 लाख अगर उसमें कमा लूँ ना गए तो अच्छा खासा बिजनेस मेरा जम जाएगा। ठीक है देखते भैया कितने में मिलेगी। ठीक है बोलो भाई, बोलो आपकी फरारी की प्राइस। ठीक है इसको मैं ऑफर करूँगा 3,40,000। ठीक है डैमेज बहुत ज़्यादा है, 65% डैमेज है, 3,40,000 में दे दी बंदे ने। ओके गाई तो बहुत ही महंगी कार मैंने बाय कर ली, फरारी बाय कर ली भैया, इसको टो करवा के भिजवा देते हैं। फरारी में खुद चला के लेके आने वाला भैया, बहुत ही सालों बाद ना फरारी आज मैं चलाने वाला। ठीक है ओके गाई, फरारी चलाने का मौका मिल गया आखिरकार इस गेम में ना, फर्स्ट टाइम फरारी भी चलाने का मौका मिल गया। आजकल ना मैंने बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम की। ठीक है अब इसको जल्दी से रिपेयर करवा दे भाई, फटाफट रिपेयर करवा दे, टाइम नहीं मेरे पास में ज़्यादा, बहुत ही कम टाइम मेरे पास बचा, इसलिए जल्दी से रिपेयर करवा दे, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है फटाफट काम करते गए। ओके तो अभी देखो फरारी को मैंने टोटली मॉडिफाई करवा दिया, कलर वाला चेंज करवा दिया और टोटली मॉडिफिकेशन करवा रखा है उस पर। ठीक है अभी देखते हैं भैया प्राइस मिलेगी कितनी, अभी फटाफट सेल पर लगा दे सारी कारों को। 5,50,000 मैंने लगा दी, देखते इतनी प्राइस अपने को मिल पाएगी या नहीं मिलेगी। ठीक है 6 लाख लगा देता हूँ, 5 लाख क्या लगा रहे, 6 लाख ही लगा देते। 6 लाख मैंने अभी लगा दी फरारी की प्राइस, अभी देखते भाई प्राइस मिलेगी तो कितनी मिलेगी अपने को इसकी। और गाइस अभी अपने सुपरा के लिए 2-3 कस्टमर आ रखे। ठीक है फटाफट सेल करो यार, फटाफट बाय करो यार, मेरे को जल्दी जल्दी काम करना है। ठीक है 90,000 ऑफर कर रहा है बंदा, ठीक है 99,999। ठीक है 1 लाख लगभग मैंने इसको बोला है, ठीक है 1 रुपया कम कर दिया, ओके 1 डॉलर कम किया था, रुपया नहीं होता है इधर। ठीक है भैया ऑडी R8 बाय कर लिया यार भैया, टाइम कम है मेरे पास में, फटाफट बाय करो यार फटाफट। ठीक है प्राइस बोलो, ठीक है 36,000। ठीक है इसको मैं 40,000 में दे देता हूँ, अभी मैं ज़्यादा बार्गिंग भी नहीं करने वाला, बस मेरे को कहना फटाफट सेल कर दी। ठीक है इसको भी सेल कर दिया, अभी ये कार बिक जाए ना भैया तो सही होगा, वरना गाइस अगर आज के दिन में मैंने गाइस ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाता हूँ ना तो कल कार मार्केट भी ओपन नहीं होगा और ऑक्शन में गाइस पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए गाइस मेरे को ना आज ही बिजनेस करना है, क्योंकि कल मेरा लास्ट डे और कल ना गाइस कार मार्केट भी ओपन नहीं रहने वाला। ठीक है अभी भाई बोल दे कितनी प्राइस है, 4,32,000 बोल रहा है। ठीक है अभी मैं इसको 5 लाख ऑफर करता हूँ, दे दे भाई 5 लाख में, दे दे कोई टेंशन नहीं है। 5 लाख नहीं मान रहा है रे बंदा, ठीक है थोड़ा वेट कर ही लेता हूँ यार, कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा है, सस्ते में देना यार क्या करूँ यार, मैं समझ भी नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है ठीक है थोड़ा कम कर देते इसके लिए, ठीक है बंदे के लिए इसको अभी मैं ऑफर करता हूँ। ठीक है इसको मैं ऑफर करूँगा 4,50,000, सीधे 50,000 कम कर दिए मैंने। ठीक है अभी तो दे देंगे, ठीक है भैया 50,000 कम करने पे कैसे लिया भैया ने, फटाक से ले लिया। और भी गए जो आप एक ऑडी R8 खड़ी थी उसको बाय कर लेता हूँ फटाफट से, क्योंकि अभी टाइम भी निकले जा रहा है, बहुत ही फटाफट टाइम निकल रहा है, ऑडी R8 बाय कर लेते हैं क्योंकि टाइम 1 ही घंटा बाकी, बस 1 घंटा बाकी का इस कार मार्केट बंद होने में। ठीक है फटाफट से भैया ऑडी R8 दे दे भाई, तू मेरे को ना तेरी ऑडी R8 जल्दी दे दे, ज़्यादा बार्गिंग भी मैं नहीं कर सकता यार, बहुत ही कम टाइम बाकी है मेरे पास में। अभी देखते भैया ये बंदा अपने को कार कितने में देगा। ठीक है ये ऑफर तो बहुत ज़्यादा खड़ा है, 5 लाख में दे दे भाई, 5 लाख में दे देगा ना बहुत ही सही हो जाएगा अपने लिए। ठीक है 5 लाख में बंदे ने दे दी ऑडी R8, मैंने 5 लाख में बाय कर लिया अभी ना भैया, इस पर जल्दी बैठते हैं और इसको फटाफट से रिपेयर करवा के सेल पर लगाते हैं। वैसे आज का तो दिन का गाइस टाइम तो खत्म ही होगा, ठीक है फटाफट से अभी मैं इसको ना गाइस अपने गैरेज पे लेके आ गया, फटाफट से रिपेयर कर दे भाई, जल्दी से रिपेयर करवा दे, टाइम मेरे
पास में बहुत ही कम बाकी है, बहुत ही ज्यादा कम बाकी है। ठीक है, मैंने रिपेयर तो करवा लिया, अभी नगर उसका कलर चेंज करवा लेते हैं क्योंकि इतनी महंगी कार है। पेंट वेंट तो करवाना पड़ेगा, तभी थोड़ी ज़्यादा महंगी प्राइस में सेल होगी। ठीक है, फटाफट से इस पर पेंट करवा देते, उसके बाद में जल्दी से इसको सेल करवा देंगे और देखते भैया प्राइस मिलेगी कितनी। 73,000 है ये कार। अगर 8 लाख में, अगर 9 लाख में अगर जाती है तो क्या मजा आएगा। इतनी महंगी तो जाएगी नहीं, लगता तो नहीं मेरे को, बट अगर चली जाती है तो भैया मेरा पूरा टारगेट ही कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि गाइस मेरा लास्ट डे बाकी है, लास्ट डे पता है क्या, बस अभी मेरे पास में बस 8 घंटे गए, मतलब 8 मिनट रियलिटी में 8 मिनट और गेम के 8 घंटे मेरे पास बाकी, बस इतना कम टाइम बाकी गए। अभी देखते भैया, होना तो मुश्किल है बट करते यार अपन इस कार को ना महंगे से महंगे प्राइस में सेल करना है। 10 लाख में मैंने सीधा 1 मिलियन मैंने इसको सेल पे लगा दिया है। 9 लाख तो नहीं मिलेगा, इतने तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी सुपरा सेल करते भैया, जल्दी से जल्दी ना सुपरा सेल कर देते, अभी देखते कितनी प्राइस मिलेगी। भैया सुपरा बाइक कर लो यार, थोड़ी महंगी में बोलो। ठीक है, 97 ऑफर करी मैडम, तो 1,05,000 इसको दे देते। ठीक है, 1,05,000 में ना सुपरा मैंने अभी सेल कर दी, देखते भैया हो गए। ठीक है, अभी भाई जल्दी कस्टमर आ गया, टाइम नहीं मेरे पास में, फटाफट हो गए। ठीक है, एक कस्टमर भी आ रखी है, ठीक है उनसे बात करते हैं फटाफट से। अभी देखते हैं भैया 8 लाख में बाय कर लेना भैया, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, दो दो कस्टमर आ गए। ठीक है सर, बोलो आपकी प्राइस क्या है। मेरे पास में टाइम नहीं यार, फटाफट प्राइस बोलो। ठीक है, देखते कितने। ओके यार 5 लाख, यार नहीं यार बहुत ही कम है। ठीक है, मैडम की देखते हैं, मैडम की प्राइस क्या है। ओके मैडम, बोलो आपकी प्राइस कितनी है। ठीक है, इस मैडम की प्राइस ओके 7,32,000 है। मैडम सही ऑफर करी, ठीक है 8 लाख में यार बाय कर लो। मैडम कोई टेंशन नहीं, 8 लाख दे दो और लेके जाओ मैडम, लेके जाओ बहुत ही कम प्राइस में। ओके भाई, मैडम ने बाय कर ली। फिर भी गाइस अभी भी मेरे पास में 22,000 मुझे चाहिए गाइस, और 22,000 कहाँ से लेके आऊँ मैं। ठीक है, उधर ना गाइस कार ऑक्शन हो रहा है, बट कार ऑक्शन में अगर मैं गया ना तो शाम तो वही हो जाएगी, क्योंकि कार ऑक्शन ना शाम को ख़त्म होगा और मेरे पास में टाइम नहीं बचेगा। इसीलिए गाइस मैंने ना विलेज से एक नॉर्मल सी कार बाय करके लेके आई, इसमें मेरे को 22,000 का फ़ायदा होगा या नहीं पता नहीं। इस कार को मुझे कितने में सेल करना है, 74,000 तक सेल करना है, तभी मेरा गाइस कंप्लीट हो पाएगा। किसी भी हालत में 74,000 में सेल करना ही पड़ेगा। गाइस अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे सेल होगी ये कार यार, बस हो जाना चाहिए। मेरे पास में अभी टाइम नहीं यार कि कोई मैं और कार बाय करके ले गया और फिर वो सेल होगी नहीं होगी। ठीक है, ऑक्शन में मैं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरे को कुछ उजाला दिखाई दे रहा था, क्या कोई रियर कार वहाँ पर आ रखी है। ठीक है, एक मिनट मेरे को देखने दो। ओके ये क्या है, अबे ये क्या चीज़ है, यहाँ पर निशान जी टी आर आ गई थी, मुझे पता भी नहीं था यार। ये तो मैं आराम से बाइक कर लेता, बहुत ज़्यादा डॉलर तो मेरे पास में थे, आज मैंने क्या खोया गया जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बट गए अभी अफसोस करने का ना कोई समय नहीं अपने पास में। चलो भैया निशान जी टी आर खो दी मैंने अपने हाथों से। ठीक है, अभी भाई टाइम तो कमी बचा है मेरे पास में, बस गए 1 घंटा बाकी। भैया तू ले ले भैया 74,000 में ले ले, लास्ट 1 आवर बाकी मेरे पास बस। ठीक है, 74,000 में लेगा, 66 ऑफर कर रहा है यार ये बंदा, 74,000 इसको ऑफर देता हूँ मैं। ठीक है, 74,000 भाई ले ले यार, भाई ज़्यादा नखरे मत कर रहा, 74,000 अबे ले लेना भाई, नहीं ले रहा है ये बंदा। ठीक है, इसके अलग नखरे हो गए। ठीक है, आखिरी घंटा गज 1 आवर का टाइम बाकी है, एक मैडम आ रखी है, तो ये तो मेरा लास्ट ही कस्टमर समझ लो, इसके बाद कोई कस्टमर भी नहीं आएगा। इसी ने 74,000 में अगर बाय कर ली तो अपना काम हो जाएगा, वरना मैं हार जाऊंगा इस, ठीक है देखते अभी क्या होता है। 72 ऑफर कर रहा है, 74 में ले लेगा ये। ठीक है, मैं आशा तो कर सकता हूँ 74 में आराम से ले लेगा। ठीक है, मैं ज़्यादा भी नहीं दे रहा हूँ तेरे को, ठीक है 74 इतने चाहिए उतने। ओके गाइज, अपने हो चुके गाइज $1 मिलियन, बराबर $1 मिलियन अपने हो चुके, $6 ऊपर है उसका कोई टेंशन नहीं है। बढ़ गया था अपना चैलेंज, बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही मेहनत लगी इसको कंप्लीट करने में, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा। बढ़ गए फाइनली अपन ने कंप्लीट कर लिया, पूरे $1 मिलियन कमा लिए, कोई टेंशन नहीं है। 1 मिलियन मैंने डॉलर कमा लिया। एक मिनट, एक कार मेरे पास में थी, कोई बोलेगा उसको सेल तो नहीं किया, देखो ये स्टार्टिंग से मेरे पास थी, ये कहीं तो घूमी पड़ी हुई, किधर है मुझे पता भी नहीं। स्टार्टिंग में उन्होंने आपको बोला था वो कार कहीं तो पड़ी हुई है, उसका कोई टेंशन नहीं। ओके गए तो अपना चैलेंज फाइनली कंप्लीट हो गया। तो गए आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके दिमाग में कोई चैलेंज है तो वो भी मुझे ना जल्दी से कमेंट करके बता देना। तो मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।